दिस इज द थर्ड एको क्लिनिक दैट वी आर होस्टिंग टुडे एंड आर मेन वी हैव वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव डॉक्टर नरेन मल्होत्रा टीच अस द पार्टोग्राफ टुडे एंड वी हैव मिस्टर ग्लाइडन फ्रॉम रेनबो हॉस्पिटल एंड मिस प्रियंका फ्रॉम जपाइगो सो सर ओवर टू यू थैंक यू वेरी मच. मेरे को दिख रहा है कि 12-13 हॉस्पिटल्स ने इस प्रोग्राम को इस बार ज्वाइन किया है. दिस इज द फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया सेकेंड ऑफ द सीएससी आगरा विच वी आर होल्डिंग. फर्स्ट वॉज लाइव ऑन स्पॉट एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग एंड लर्निंग सम थिंग्स. सो प्लीज फील फ्री टू राइट आस्क स्टॉप मी एनीवेयर where there is confusion and ask whatever many questions. So, jo bhi staff hai, especially nursing staff or attendants hai, please, agar aapko kuch bhi samajh nahi aa raha ho, kuch bhi ho, choti si bhi baat ho, nahi samajh aa rahi ho, bilkul aap apna haath raise karke ya uspe tick karke rok ke aur usko acche se samajhiyega. Kyunki agar nahi samjhenge, to phir aage jab aapka assessment hoega. और आपसे जब पूछा जाएगा तो फिर आप कहोगे ये तो हमें बताया नहीं. सो दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. आई एम श्योर ऑल द डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स हु आर देयर हैव डू नो व्हाट पार्टोग्राफ इज, व्हाट मॉनिटरिंग ऑफ लेबर इज. वी ऑल नो इट, वी वर ऑल टॉट, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन द पेशेंट कम्स इन लेबर वी आर हार्डली, वेरी फ्यू ऑफ अस आर एक्चुअली मेंटेनिंग पार्टोग्राम्स फॉर एवरीवन. एंड then we are still going back to what are the findings, PV two finger loose, three finger loose. So that it is okay, your patient will still deliver, you following the labor, but we want to make it much better for you. So let's see what we can learn about partography and management, or kis tarah ko ye partogram manage karna chahiye. Ye ek partogram hai जो गवर्नमेंट का और लक्ष्य का और मान्यता का सर्टिफाइड है. तो इसकी सबको आपको प्रिंट आउट मिलेगी. तो और वी विल रिक्वेस्ट आप अपने हॉस्पिटल का नाम ऊपर प्रिंट करके और सभी लेबर पेशेंट्स को ये पार्टोग्राम मेंटेन करें. दिस इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी एंड इट शुड बी मेंटेन फॉर ऑल, बिकॉज इससे बहुत सारे फायदे. एक तो इमिजिएटली आपको ग्राफ पे पता लग जाता है लेबर कैसे चल रहा है, और दूसरा फिर मेडिको लीगली आपको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सिजेरियन क्यों किया, वो सारे सवाल. सो जैसा कि आपको पता है, मान्यता एक फॉक्सी का इनिशिएटिव है और उत्तर प्रदेश झारखंड से शुरू हुआ था. आगरा उसका पायलट सबसे पहले था और अब बॉम्बे में हेड ऑफिस है और एनपीएमयू है जो नेशनल लेवल पे पूरा इसका चार्ट आउट करता है प्रोग्राम. एंड बहुत बड़ी ग्रांट एमएसडी ने इसको दी थी जो कि इस साल खत्म हो जाएगी, इसलिए अब ये पेड प्रोग्राम की तरह सेल्फ सस्टेनिंग फॉक्सी प्रोग्राम बनेगा. और जपाइगो ने हम लोगों को इसमें सारा टेक्निकल हेल्प दिया है, जितने ये मॉड्यूल्स बनाए, स्लाइड्स बनाई है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, ये सब जपाइगो की तरफ से आया. तो हम तीनों की पार्टनरशिप से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, वी हैव सीन इट एंड वी हैव प्रूवन इट टू द गवर्नमेंट. सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज लिंक्ड इट विद देयर लक्ष्य प्रोग्राम. Similar program is run by the government of India in all the states for public sector hospitals, only district hospital or medical college. और उसका नाम है लक्ष्य. और आप कुछ देख रहे होंगे कि कुछ इस साल से सारे medical colleges के labor room नए बने हैं and much spacious बने. तो लक्ष्य program में clinical standards and physical standards दोनों को रखा गया है. उस physical standard का labor room होना चाहिए, ये rooms होने चाहिए. Now that was not possible for small nursing homes, इसलिए अभी सरकार ने most of the places में लक्ष्य को मान्यता से combine नहीं किया, except for Maharashtra and probably now in Uttar Pradesh it will be very soon. And when it combines, then we have to make कि हमारा standard बनाने के लिए एक physical standard भी essential है. So 10 physical standards and 16 clinical standards. This has been told to you. Now, previous session जो आपने आपके स्टाफ ने सबने इसमें कर चुके हैं, पीवी एग्जामिनेशन कैसे करना है वो आपको बताया जा चुका है, रिस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर कैसे देनी है वो बताया जा चुका है, और इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे रखना है.
तो रिकैप्चुलेट करेंगे पीवी एग्जामिनेशन के लिए, पेशेंट लेटा होता है, लेग्स फोल्ड अप करते हैं, ग्लव्स पहनने हैं, अच्छे से लोकल वल्वल पार्ट क्लीन करना है, टू फिंगर्स से यू हैव टू गो इनसाइड एंड देन लुक एट द सर्विक्स एंड देन यू विल सी द सर्विक्स, और सेंटीमीटर्स में मेजर करना। अब सबकी फिंगर्स का सेंटीमीटर डिफरेंट होगा, तो आपकी अपनी फिंगर का सेंटीमीटर, एक फिंगर कितनी है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो नाप के रखिए। तो जैसे मेरी टू फिंगर्स जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर डायलेटेड होगा सर्विक्स अगर मेरी टू फिंगर, और टू फिंगर लूज है तो 4 सेंटीमीटर होगा। इस तरह से कभी भी टू फिंगर वन फिंगर डायलिटेशन नहीं लिखनी है, आज से सेंटीमीटर्स में लिखनी है, सेंटीमीटर्स में डायलिटेशन लिखनी है और सेंटीमीटर्स में चार्ट आउट करनी, और फिर पेशेंट को सब एक्सप्लेन करनी, एंड देन यू हैव टू एग्जामिन द सैक्रल प्रोमोंटरी, एंड देन बीच में आके यू स्प्रेड योर फिंगर्स, दोनों इस्चियल स्पाइंस को फील करेंगे तो इंटरनल डायमीटर पता लगेगा, और बाहर आके आप 4 नकल से एक्सटर्नल पेल्विस को आप एसेस करेंगे, इस्चियल ट्यूबरोसिटी डायमीटर को, सो आउटलेट पता लगेगा। पेशेंट का पेल्विक असेसमेंट 38 वीक्स पे 2 हफ्ते पहले डिलीवरी से बहुत जरूरी है, एंड ऊपर से भी ऑफकोर्स हेड फील करेंगे कि हेड अंदर गया कि नहीं। रिस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर क्या होता है? मेटर्निटी केयर होता है जब पेशेंट आता है प्रेगनेंसी में, लेबर में, उसको आप किस तरह से लिटाएंगे, कहाँ लिटाएंगे, शीट कम क्लीन है कि नहीं, प्यार से बात कर रहे हैं कि नहीं, पूरी हिस्ट्री ले रहे हैं। सो एक रिस्पेक्ट के साथ, जो पुराने टाइम पे होता था मेडिकल कॉलेज में, बहुत सारी डिलीवरीज होती थी, इधर लेट जा उधर लेट जा, अरे आया इसको उधर लिटा, इसको इधर लिटा, जमीन पे लिटा, सो दैट इज नॉट रिस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर। मे बी वी आर गिविंग मेटर्निटी केयर, वी आर डीलिंग विद द पेशेंट, हम ड्रिप लगा रहे हैं, हम पीवी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, पर हम उस औरत को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, और आधा उसको शीट से कवर नहीं करके ऐसे ही एक एक लेबर रूम में 6-6, 7-7 डिलीवर हो रहे हैं। So that is not respectful maternity care. We have to now think of giving respectful maternity care. So जब 2018 में डॉक्टर जयदीप प्रेजिडेंट थी, उनसे एक एनजीओ की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में उनको बुलाया गया एज प्रेजिडेंट फॉक्सी, और उनको स्टेज पे बुलाया गया, मैडम आपकी फॉक्सी कैसे रिस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर लोगों को देती है? तो 2 मिनट डॉक्टर जयदीप ने सोचा, उन्होंने कहा कि हम तो अभी इंडिया में मेटर्निटी केयर ही नहीं दे पा रहे, अभी रिस्पेक्ट की कहाँ बात करें। सो अगर आप केयर दे रहे हैं तो रिस्पेक्ट उस केयर में ऐड करने में कुछ नहीं जाता, रिस्पेक्टफुल मेटर्निटी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन कंट्रोल, हाथ कैसे धोने हैं, सुमन पूरा फिंगर आगे पीछे उल्टा सीधे हथेली अंगूर नकल्स, जो आप लोग को सब अच्छे से सिखाया गया है, हाउ टू कीप द लेबर रूम क्लीन, किस चीज से डीप मॉपिंग होनी है फ्लोर्स की, लेबर टेबल को कैसे साफ करना है, और आजकल के डेज में कोविड प्रिवेंशन कैसे रखना है। सो दिस हैज बीन टोल्ड, सो दैट वाज अ क्विक रीक, और जिस जिस को फिर से इसको सीखना है या नहीं समझ आया है, वो ग्लाइड इन प्रियंका से फिर से बात करेंगे और आपको प्रोटोकॉल्स ऑफ क्लीनिंग और ये सब फिर से बताए जाए। सो आज जो हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5 क्लिनिकल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग करेंगे लेबर के स्टेजेस क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ये आपको पता है लेबर जब चालू होता है पेन्स और डायलिटेशन नहीं होता है तो फर्स्ट स्टेज कहते हैं, जब 4 सेंटीमीटर पर पहुंच जाता है तो उसको एक्टिव लेबर कहते हैं, फर्स्ट स्टेज का एक्टिव, और जब फुल्ली डायलेट हो जाता है तो सेकेंड स्टेज कहते हैं, और जब डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा निकलता है तो उसको थर्ड स्टेज। और आज हम आपको बताएंगे कि ये पार्टोग्राफ पे आपने कैसे लेबर को हर जगह हर पॉइंट कैसे लिखना है, और कैसे हर लेबर केस का ये पार्टोग्राम बनना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। एक भी अगर आप सिजेरियन के लिए भी, इलेक्टिव सिजेरियन के बनाने की जरूरत नहीं है, बट जो आपको ट्रायल, शॉर्ट ट्रायल ऑफ लेबर सब के लिए बना। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि पार्टोग्राफ से आप कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं कि लेबर ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, और कहाँ आपको फोर्सेप्स, सिजेरियन या कुछ करने की, इंटरवेंशन करने की जरूरत, और कहाँ बेबी को डिस्ट्रेस हो रहा है, ये पार्टोग्राफ 1 मिनट में वो भी बता। सो जो 5.1 स्टैंडर्ड है वो पार्टोग्राफ लेबर रूम में अवेलेबल होना चाहिए। सो सभी हॉस्पिटल्स इसका प्रिंट आउट लेके अपने हॉस्पिटल का नाम प्रिंट कर लें, और जब भी पेशेंट की केस शीट बने एडमिशन पे, ये उस फाइल में क्लिप हो जाना चाहिए, या इसका एक चार्ट लेबर रूम में होना चाहिए, और पेशेंट लेबर रूम में आती है या लेबर वार्ड में एडमिट होती है तब वहां मेंटेन कर। बेटर ये है कि एडमिशन टाइम पे फाइल पे ही प्रिंट हो जाए।
ये चार्ट हमें जब एडमिट हुए तब से नहीं बनाना है, तब से बनाना है जब पेशेंट एक्टिव लेबर में जाती। सो 4 सेंटीमीटर, सो 2 फिंगर लूज जो मोस्टली डायलेट होती, और उसको 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो। सो अगर कोई भी पैरामीटर गड़बड़ होएगा तो ये एकदम से हमें बता देगा। सो दूर से भी स्टाफ, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर सब ये बता दें। फिर हमको स्टाफ को कैसे, जब अगर पेशेंट पेन में आती है, लेबर में है कि नहीं है, वो डायग्नोस करना है, उसके वाइटल्स चेक करने, पल्स, बीपी, और वो यहाँ लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन स्टेटस, और उसको एंटीबायोटिक पहले देनी है कि नहीं देनी, ब्लैडर उसको यूरिन पास कराना है कि कैथेटराइज करना है, और लेबर में आते ही हीमोग्लोबिन, और अगर उसके बाकी टेस्ट नहीं हुए तो स्पेशली ब्लड ग्रुप टेस्टिंग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अगर अनरजिस्टर्ड आई है, रजिस्टर्ड पेशेंट आएगी तो उसका सब कुछ हुआ होगा एडमिशन टाइम पे, हीमोग्लोबिन और रूटीन यूरिन एल्ब्यूमिन शुगर है कि नहीं है स्टिक से, ये देखना जरूरी। और हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि कोई भी पेशेंट को अननेसेसरीली 39 वीक से पहले इंड्यूस नहीं करना है। आप सब प्रेगनेंसी को फुल टर्म जाने दीजिए, 40 वीक इज फुल टर्म। इंडियन प्रेगनेंसीज मैच्योरिटी कम्स आफ्टर 39 वीक्स, सो 37 वीक्स होते ही बहुत सारे लोग अपनी सहूलियत के लिए कि हम बाहर जा रहे हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगी, या रात में ये लेबर में आ जाएगी तो सुबह सुबह उसको सर्विप्रिम डाल दो और सिंटो लगा दो, तो ये दिस इज नॉट गुड प्रैक्टिस, दिस इज नॉट रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। सो वी हैव टू लेट ऑल पेशेंट्स गो इनटू लेबर अनलेस उसको कोई दिक्कत है, डायबिटीज है आपको जल्दी करना है, उसका लाइकर कम है आपको जल्दी करना है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जो उसको तकलीफ देगी लेटर ऑन उसमें करना है, तो वो अगर इंडिकेटेड है प्रीमेच्योर इंडक्शन तभी करना है, अदरवाइज 39 वीक्स। सो पार्टोग्राम विल टेल अस कैसे हमें अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाना है, कैसे हमको अपने क्लिनिकल डायग्नोस, और ये होता है एक टिपिकल पार्टोग्राम जो कि अगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोगों के सभी पेशेंट्स का होना चाहिए। इसमें मरीज का नाम लिखा जाता है ऊपर, सो ऊपर की लाइन पे पेशेंट का नाम, पेशेंट कौन सी ग्रेविडा है, थर्ड ग्रेविडा है, और टू पैरा कौन सी है, तो 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 3rd ग्रेविडा, पैरा 2, हॉस्पिटल का नंबर, एडमिशन नंबर, ऊपर आप लोग हॉस्पिटल का नाम प्रिंट करा सकते हो, डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, और मेम्ब्रेन कितने घंटे पहले रप्चर हुई है, सो अगर लीकिंग हुई है तो कितने घंटे पहले। सो पहले 2 लाइन में ये चीजें आएंगी, फिर आप देखेंगे उसमें आएगा फीटल हार्ट रेट का चार्ट है, तो फीटल हार्ट रेट का चार्ट 80 से जैसे NST का चार्ट होता है बिल्कुल वैसा बना हुआ है इसमें, तो आपने एडमिशन टाइम पे कितनी फीटल हार्ट रेट थी वो, और इसमें जो 2 लाइन आप देख रहे हैं वो 120 से 160 पे, सो अगर 160 से ऊपर हो तो टैकीकार्डिया, 120 से नीचे हो तो ब्रैडीकार्डिया, तो आप अगर इस पे लिखते जाएंगे तो इमीडिएटली आपको 2-2 घंटे पे या आधे आधे घंटे में फीटल हार्ट लिखते जाएंगे तो इमीडिएटली डॉक्टर को या किसी को पता लग जाएगा डिस्ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 160 से ऊपर रीडिंग आ रही है 2-3 बार तो टैकीकार्डिया हो रहा है, और अगर नीचे आ रही है तो ब्रैडीकार्डिया। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड और मोल्डिंग है, तो एमनियोटिक फ्लूइड लाइकर क्लीन स्टेराइल वाइट पैड हैज टू बी गिवन एंड चेंज एवरी हाफ एन आवर अगर इफ शी इज लीकिंग। सो लीकिंग के लिए आप कुछ सिंबल्स है, मेम्ब्रेन्स अगर इंटैक्ट है तो आई लिखेंगे इंटैक्ट, अगर लीकिंग हो रही है क्लियर है तो सी, अगर म्यूकोनियम है तो एम, और अगर ब्लड स्टेन लाइकर है तो सी बी लिखेंगे ब्लड। सो वो इमीडिएटली आपको पता लग जाता है कि क्लियर 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 चल रहा था और फिर एम आ गया, और इंटैक्ट चलने की रप्चर हो गई क्लियर, फिर सी चालू हो गया, पहले आई 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 था 3 बार, फिर सी 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 हुआ, तो मतलब दूर से ही पता लग जाएगा मेम्ब्रेन रप्चर हो गई और लाइकर जो निकला है वो क्लियर निकल रहा। फिर 5वीं रीडिंग में एम आ गया किसी ने देखा तो म्यूकोनियम आ गया, तो डिस्ट्रेस पता लग गया, और अगर ब्लड आ गया तो ब्लड स्टेन है, ब्लड आ गया तो ब्लड लिखा होगा तो या तो शो हो सकता है या अंदर से ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, तो वो एकदम से पता लग जाता। मोल्डिंग हेड की मोल्डिंग होती है, तो जब पीवी करते हैं तो कितना हेड मोल्ड हो रहा है उसकी मोल्डिंग का स्कोर, वो है आपको मोल्डिंग उसमें लिखना है, अभी हम लोग सब बताएंगे। उसके बाद आपका जो अगला चार्ट है ये वाला, ये चार्ट जो आप देख रहे हैं इसमें इस तरफ घंटे हैं और इस तरफ डायलिटेशन, और ये 2 लाइन है, एक अलर्ट लाइन और एक एक्शन लाइन।
और अलर्ट लाइन 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन से शुरू होती है और 10 सेंटीमीटर पे जाती है, और 1 से 6 घंटे में 4 से 10 सेंटीमीटर पे जाती है। तो 6 घंटे पे औरत को फुल्ली डायलेट हो जाना चाहिए 4 सेंटीमीटर से, अगर उसका लेबर सही चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पीवी करेंगे तो पहला गोला यहाँ बनाएंगे 0 आर्स पे 4 सेंटीमीटर, फिर 2 घंटे बाद करेंगे अगर यहाँ दिखा तो अलर्ट लाइन पे चल रहा है तो इट इज गुड, अगर अगला यहाँ दिखा तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, अगला यहाँ दिखा या जल्दी हो गया डायलेट बहुत अच्छा है। अगर डायलेटेशन यहाँ आएगी तो अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में आ रही है तो आपको ये इंडिकेट करेगा कि लेबर स्लो चल रहा है, और अगर एक्शन लाइन पे आपका नेक्स्ट पीवी में आता है 4 सेंटीमीटर पे 6 घंटे के बाद भी अटकी हुई है तो इसका मतलब लेबर वहां अबनॉर्मल है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। सो उसको फिर से रीएसएस कंसल्टेंट डॉक्टर से करने की जरूरत है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर तो नहीं है, सीपीडी तो नहीं है, मोल्डिंग ज्यादा तो नहीं है, मिकोनियम तो नहीं है, कोई डिस्ट्रेस तो नहीं है, और फिर हम लोग कुछ डिपेंडिंग अगर सब ठीक है तो उसको सिंटोसिनोन चला के देख सकते हैं, और फिर 2 घंटे 3 घंटे बाद अगर वो कैचअप हो जाता है एक्शन लाइन पे और डायलेट होने लग जाती है तो नॉर्मल के लिए वेट करते हैं, अगर नहीं डायलेट होती है अगले 2 घंटे बाद भी 4 सेंटीमीटर पे अटकी रहती है तो फिर हम लोग उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं, और उसको अगर फुल्ली डायलेटेड नहीं है तो उसको सिजेरियन के लिए लेते हैं, अगर फुल डायलेटेशन पे अटकती है तो वैक्यूम डिलीवरी या फोर्सेप्स डिलीवरी क्लियर। सो दिस इज हाउ पार्टोग्राम एक ही उस पे दूर से बता देगा कि ये लेबर ठीक चल रहा है। उसके नीचे जो आपका ये हरा ग्राफ देख रहे हो ये है कॉन्ट्रैक्शंस, हर 10 मिनट में कितनी बार यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, 10 मिनट तक देखना जरूरी है, 3 बार 4 बार, और कितनी देर तक रह रहा है। अगर हल्का रह रहा है तो छोटी गलियां बनाते हैं, अगर मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है तो लाइनें बनाते हैं, और अगर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है तो उसको बिल्कुल काला डार्क कर देते हैं स्क्वायर को। सो दूर से देखने वाले को पता लग जाएगा कि 1 कॉन्ट्रैक्शन डॉट्स बने हुए तो माइल्ड, 3 कॉन्ट्रैक्शन काला बना हुआ है तो स्ट्रॉन्ग, सो अगेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर हो जाता है। सो पैसेज, पैसेंजर, फोर्सेस, ये 3 चीज हमने देखनी है, पैसेज औरत का पैसेज, पैसेंजर फीटस, और फोर्सेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये 3 मॉनिटर करनी है जो पार्टोग्राम से हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद जो आपको ये चार्ट है पिंक लाइन 2 लाइन, ये कौन सी दवा आप दे रहे हैं और कौन सा फ्लूइड दे रहे हैं और कितने रेट पे दे रहे हैं और उसमें ऑक्सीटोसिन डला है कि नहीं। उसके बाद जो मॉनिटरिंग है मदर की पल्स, बीपी और हाइड्रेशन स्टेटस और टेम्परेचर, और लास्ट में जो हरा दिख रहे हैं वो उनका आपका यूरिन, यूरिन हो रहा है कि नहीं, और स्टिक से देखते हैं उसमें शुगर और एल्बुमिन है कि नहीं। सो ये पार्टोग्राम में एक ही पेज पे इतनी सारी चीजें पता लग जाती, अदरवाइज हम कोई लिख के चला जाता है, अगला डॉक्टर आता है पेज पलट के लिखता है पीवी, तीसरा आता है उसको पेज पलट के लिखता है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि स्टार्टिंग में पीवी एग्जामिनेशन में क्या डायलेटेशन थी और उससे अब कैसे चल रहा है। सो पार्टोग्राम में जनरल इंफॉर्मेशन भरना जरूरी है जो कि आपको मैंने बताया ऊपर, प्रोग्रेस ऑफ लेबर भरना जरूरी है, सर्वाइकल डायलेटेशन इन सेंटीमीटर्स और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स, 2 आ रहे 3 आ रहे 4 आ रहे 5 आ रहे, ही रिलैक्स इन योर 10 मिनट, मदर की कंडीशन पल्स बीपी टेम्परेचर, बच्चे की कंडीशन फीटल हार्ट रेट और एमनियोटिक फ्लूइड का रंग। अगर मेम्ब्रेन फूटी नहीं है तो आई लिखेंगे, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है लाइकर क्लियर है तो सी लिखेंगे, अगर म्यूकोनियम है तो एम लिखेंगे, और अगर ब्लड है तो बी लिखेंगे जहां लाइकर वाली जगह पे, ठीक है, बहुत सिंपल। और स्टेराइल क्लीन वाइट पैड यूज करेंगे, कोई कपड़ा नहीं, कोई पीले वीले रंग का गंदा फंदा कपड़ा नहीं लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैंने बताया अगर 20 सेकेंड से कम में खत्म हो रहा है तो डॉट्स बनाएंगे, अगर 20 से 40 सेकेंड हो रहा है तो लाइन बनाएंगे, और मोर देन 40 सेकेंड स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है उस डब्बे को काला कर देंगे। तो बहुत दूर से पता लग जाएगा किसी को देखते ही कि इसको माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है या इसको मॉडरेट, 20 से 40 सेकेंड रह रहे मॉडरेट है या इसको स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रहे। तो हमारा मकसद यही है कि दूर से एक पेज को देख के पता लग जाए कि कैसे आ रहा। फिर एक्टिव फेज में जो 4 सेंटीमीटर से फुल सेंटीमीटर 10 तक 6 घंटे में एक्टिव फेज कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सबसे देखना जरूरी है, और इसमें आप फीटल हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन, लाइकर, पल्स, बीपी सब देखेंगे, बाकी सब चीजें आधे और 1 घंटे भी देखेंगे, पीवी आपको 4 घंटे भी करनी है, और अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो तो 2 से 2.5 घंटे पीवी, वो पीवी करके आप मॉनिटर कर सकते।
पार्टोग्राम कब चालू करते हैं? पेशेंट जब आ जाए तब उसी टाइम पार्टोग्राम नहीं लेना, नहीं तो सारे मरीज एक्टिव और अलर्ट लाइन क्रॉस कर देंगे। जब वो एक्टिव फेज में आ जाए फर्स्ट स्टेज लेबर की, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए, दैट मीन्स 2 फिंगर लूज डायलेट हो जाए, तब उसको हम लोग एक्टिव फेज बोलते हैं और तब से हम लोग प्लॉट करेंगे। फिर 2 घंटे बाद फिर दूसरा प्लॉट करेंगे और अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड पे चलते जाना चलना चाहिए लेबर को, और राइट पे क्रॉस करेगा तो लेबर में कुछ गड़बड़ हो। सो अलर्ट लाइन हमको अलर्टनेस बताती है कि लेबर में गड़बड़ हो रही है कि ठीक चल रहा। अब ये एक पेशेंट है जो 9:30 बजे एडमिट हुई सुबह, देखिए यहाँ इसका फीटल हार्ट 120 था, इसको 3/10 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, 30 सेकेंड चल रहे थे तो हमने लाइन बनाई, मदर की पल्स 80 थी तो टिक करा गुड, और एमनियोटिक फ्लूइड सी था, और इसी तरह से ये चलती रही। 1 बजे इसका फीटल हार्ट रेट थोड़ा तेज हुआ बट कॉन्ट्रैक्शन भी 4 हो गए, 55 सेकेंड लास्ट कर रहे थे, 90 पल्स रेट हुई क्योंकि लेबर में थी थोड़ा ज्यादा, टेम्परेचर भी हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, बीपी नॉर्मल। 1 बजे इसका जब पीवी किया गया तो फुल्ली डायलेटेड थी, लाइकर क्लियर था, और 1:20 पे 2.8 किलो का बीबी डिलीवर हो। सो ये वाले इसको आपने पार्टोग्राम में अपने सामने भरना है कि 9 बजे कितना दिखा, 10 बजे क्या दिखा, कौन सा चीज कहाँ भरनी है, लेबर पता लगी, ऐसे भरते हैं। ये मेरे पास पार्टोग्राम था इस पेशेंट का, तो जब ये आई तो ये राधा इसका नाम, ये 26 साल की G2P1A2A0, और ये इसका हॉस्पिटल नंबर, और 11 तारीख जून को 9:05 पे 50 मिनट पे एडमिट हुआ, और 11 तारीख को 4 बजे शाम को इसका जो भी लेबर, इसका सर्विक्स 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन पे आया था, सो हमने 5 पे उसका 5 से स्टार्ट कर 5 पे लगा दिया उसका, सो यहाँ 5 पे लगा दिया 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इसका एमनियोटिक मेम्ब्रेन 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे सो हमने, और हल्के थे तो लाइनें बना दी, देख रहे हैं आप लाइनें बनाई है मैंने, काला नहीं किया, और इसका जो है फीटल हार्ट रेट 120 था, 120 पे हमने एक डॉट 120 पे बना दिया, नॉर्मल था 120 पे डॉट बना दिया, और इसका एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर था तो हमने सी लिख दिया सी। सर सॉरी सर डिस्टर्ब यू सर, एक्चुअली सर जो हम कर रहे हैं ना टिक लगा रहे हो ना बिल्कुल लाइन पे नहीं जा रहा है, जैसे हमने 5 पे किया है ना तो 5 पे ना हो के अलर्ट लाइन पे ना हो को नीचे जा रहा है। ये क्योंकि ये वाला दूसरा टाइप का पुराना टाइप का पार्टोग्राम है पहले वाला, तो पर उसको 5 पे लगा रहा है, ठीक है, पर इससे फॉलो करेंगे और बीपी रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ बीपी रिकॉर्ड कर लिया आपने मेटर्नल कंडीशन, और पल्स रेट यहाँ मेटर्नल कंडीशन पल्स रेट ली। सो मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि कैसे हर चार्ट में किस तरह से लिखना है, ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थोड़ा नीचे आ रहा है, और थोड़ा ये नीचे आ रहा है 120 की जगह यहाँ 100 पे आ रहा है, यहाँ पॉइंट आएगा ये, सो करेक्ट जगह पे पॉइंट लगना है, वो ये इसमें नहीं आ रहा, और टेम्परेचर उसका 36.8 था तो हमने टेम्परेचर भी लिया। सो ये एट द एडमिशन 5 सेंटीमीटर थी, फीटल हार्ट 120 था, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन थे, 10 मिनट में 3 थे, लाइकर क्लियर था और सब नॉर्मल। थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद फीटल हार्ट उतना ही है, कॉन्ट्रैक्शन उतने ही है, वही है तो दूसरा स्क्वायर बन गया, पल्स रेट उतनी है, बीपी उतना ही है, एमनियोटिक फ्लूइड अभी भी क्लियर है, सो दूसरा सी आ गया आपकी, ठीक है। ये थोड़ा पुराना वाला है ऊपर नीचे, 10 बजे इसको देखा गया, 10 बजे फिर देखा गया, फीटल हार्ट थोड़ा सा बढ़ गया 130, पर अभी भी नॉर्मल है 160 तक नॉर्मल है, और लेबर ये थोड़ा सा बढ़ गया तो वो लाइन ऊपर चली गई, देख रहे हैं आप तो पता लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन उतनी ही है तो वही आएगा, और पल्स उतनी है, और अभी हमने पीवी नहीं किया है, 4 घंटे पे करेंगे, अब लाइकर क्लियर है, और नेक्स्ट टाइम पे जब 4 घंटे हो गए फीटल हार्ट 140 पे पहुंच गया, कॉन्ट्रैक्शन 3 है और उतने ही है, वैसे ही लाइन में है मॉडरेट, पल्स बीपी में कोई चेंज नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड अभी भी क्लियर है, सो लेवर इज गोइंग स्मूथली। अब 11 बजे जब हमने देखा तो सब कुछ सेम चल रहा है, अभी पीवी करेंगे तब पता लगेगा डायलिटेशन और बच्चे का डिसेंट कितना हो।
नेक्स्ट उसपे ब्लैक हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, ये ब्लैक बॉक्स आ गया, देख रहे हैं फीटल हार्ट फिर भी ठीक चल रहा है 140 पे, पल्स बीपी में कोई फर्क नहीं पड़ा है, सो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से बच्चे को कोई असर नहीं हुआ है, नहीं तो बच्चे का हार्ट बीट स्लो हो जाएगा, या लाइकर भी बिल्कुल क्लियर है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में, सो वी आर स्टिल नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। फिर बज गए 12, सुबह 9 बजे आई थी, अब 3 घंटे हो गए, 3 घंटे में पल्स रेट सेम, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, मदर का पल्स बीपी बिल्कुल नॉर्मल, लाइकर क्लियर, एवरीथिंग गोइंग ऑन स्मूथली, एवरीथिंग गोइंग ऑन, ये मॉनिटर बाहर नर्स कर रही है, अभी पीवी एग्जामिनेशन 4 घंटे नहीं हुआ, तो अभी नहीं हुआ, सो दिस इज 1 आवरली एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग ऑफ लेबर। अब 4th घंटे में फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, मदर पल्स बीपी सब नॉर्मल, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर अभी भी, और फीटल हार्ट रेट सब बिल्कुल सेम। और अब हमने पीवी किया, पीवी पे देखिए सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो गया 4 घंटे में, 5 सेंटीमीटर से यहाँ आई, तो ये हमारी ब्लैक अलर्ट लाइन थी, सो अलर्ट लाइन पे फॉलो कर रहा है, सो वी आर वेरी हैप्पी कि ये लेबर अब डिलीवर होने वाली है बिल्कुल बहुत जल्दी। सो देखिए ज्यादा हर आधे घंटे में पीवी नहीं किया, 4 घंटे तक आप बाकी मॉनिटर करते रहे और सब देखते रहे, स्ट्रॉन्ग और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर सेट इन हो गया, सब कुछ क्लियर, सब कुछ नॉर्मल, एंड पेशेंट डिलीवर्ड 2.5 किलोज एट 120, सो वेरी वेरी नाइसली। अब ये पूरा ग्राफ देखेंगे तो सब लेबर ठीक चला, फीटल ठीक रहा, लाइकर क्लियर रहा, मदर ठीक है, सो मेटरनल फीटल मॉनिटरिंग दोनों हमारी एक ही चार्ट में हो। क्या याद रखना है कि 4 सेंटीमीटर पे स्टार्ट करना है प्लॉटिंग सर्वाइकल डायलिटेशन, हर घंटे पे मदर का पल्स बीपी फीटल हार्ट देखना है, और ये हमको पार्टोग्राम पे याद रखना, और ये पार्टोग्राम अभी आप लोग प्रिंट करेंगे, और इसके बाद ग्लाइडन आपको बताएगा नेक्स्ट पेशेंट पे, आप लोग मॉनिटर अपने आप करके वो हमको व्हाट्सअप करेंगे, फिर हम देखेंगे आपने ठीक से मॉनिटर किया कि नहीं। सो एनी क्वेश्चन, सवाल पूछिए इसके ऊपर, पार्टोग्राफी मॉनिटरमेंट ऑफ लेबर, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और सवाल पूछ सकते हो। इसके बाद डिलीवरी हो गया तो वी विल हैंड ओवर द बेबी टू द पीडियाट्रिशियन, अगर पीडियाट्रिशियन नहीं है तो जो गायनेकोलॉजिस्ट को और गायनेक नर्स को, ऑब्स्टेट्रिक नर्स को न्यूनेटल आना चाहिए, वो अभी आपको हम लोग वो बताएंगे। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस प्लीज सर। ये जो सेकंड वाला ग्राफ है इसमें देयर इज आल्सो अ टाइटल सेइंग डिसेंट ऑफ हेड प्लॉट 0। या सो व्हाट डू वी डू इन दैट? So now with this new one, we don't follow the descent of head. Older partogram, when I had my thesis in 1982, we had a very, very complex Friedman's partogram. And active management of labor was then defined. So descent of head agar hai, to jo aapko ye cervix aap dekh rahe ho, usse -5, -4. So jaise jaise labor yun upar jayega, descent of head ka curve niche banega. So descent बिल्कुल ऑपोजिट, जितनी डायलेट होती जाएगी उसका उतना नीचे आता जाएगा, 0 पे आ गया या एक्सटर्नल उस पे आ गया। 5 सेंटीमीटर है तो हेड में -5, फिर जब लेबर 7 सेंटीमीटर हुआ हेड -4, तो अगर लेबर यो जा रही है डिसेंट ऑफ हेड यो जा रहा है नीचे जाएगा, तो बिल्कुल क्रॉस उसको मिरर इमेज फॉलो होनी चाहिए डिसेंट ऑफ हेड। थैंक यू सर। क्लोज में सर, sir, if a patient comes in early first stage of labor, not following partogram, and if she develops distress in first stage of labor, so that distress is see, first stage of labor is latent period, latent phase, which will last for about 6 to 8 hours. In some primates, it can also last to 10 hours. So if there is no distress, we let them go. So aate hi patient ka असेसमेंट करना है कि वो एक्टिव लेबर में है कि नहीं, जब एक्टिव लेबर में आएगी तभी पार्टोग्राम बनाएगी। सो आते ही हम लोग को पहले असेस करना है मदर कंडीशन, फीटल कंडीशन, एंड इफ यू हैव अ सीटीजी मशीन देन यू कैन पुट अ एडमिशन टेस्ट, 20 मिनट्स का सीटीजी रीडिंग एंड फीटल हार्ट एडमिशन। अगर फीटल हार्ट नहीं फॉल कर रहा है, डिसेलरेशन नहीं हो रहा है पेन से, सो दिस पेशेंट विल नॉट गो इनटू डिस्ट्रेस फॉर नेक्स्ट 6 to 8 hours. So you can repeat the admission test after 6 hours when she, and then you can, if you have a CTG machine, you can do continuous labor.
if you do not have it, we monitor by hearing and by Doppler or by measuring. So at admission is very important for fetal distress. If fetal distress occurs in latent phase when she is only 1 centimeter, obviously we it depends. Agar early deceleration hai, so head compress ho raha hai, to left lateral oxygen dehydrate karke dekh lijiye, improve ho jata hai to labor proceed karne dijiye. Late deceleration aa rahe hai, to that means compress ho raha hai head very early, so that will land up into a cesarean section. Variable ho raha hai, to phir maybe cord is compressing somewhere. Again, position change, ask the patient to walk about, give some conservative treatment, does not improve, you have to take her for seizure. So fetal distress may occur in latent phase, early labor, that has to be actively managed. Yes. Thank you. और कितने जो स्टाफ सुन रहा है, स्टाफ को कुछ समझ आई ठीक से? हाँ जी, सुन रहे हैं जी, समझ में आ रहा है जी। हाँ जी, सारा स्टाफ सुन रहा है, तुम लोग सबको समझ आई? हाथ उठाओ। सर, दिस वन क्वेश्चन कि अभी जैसे 4 कॉन्ट्रैक्शंस दिखाई थी, 10 मिनट्स में 4 कॉन्ट्रैक्शंस है, सो दैट इज द स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शंस, दैट इज स्ट्रांग, सो शी इज फुल्ली डायलेटेड। यस सर, तो हमने पीवी बीच में क्यों नहीं किया? अगर स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शंस हमने 2 आवर्स देख लिया, 2 आवर्स तक स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, बट फिर भी हमने पीवी नहीं किया बीच में। सो ये रूल नहीं है, पीवी मिनिमम पीवी रखते हैं मॉनिटरिंग लेबर, बट इफ यू फील कि इट इज वेरी स्ट्रांग and she's already pushing, then you can do a PV. So aisa nahi hai ki 4 ghante mein karna hai, bachcha bahar aa raha hai, head dikh raha hai, fir bhi nahi karungi kyunki mere ko 4 ghante bataya tha Dr. Malhotra ne, aisa nahi hai. Yes sir. So clinical judgment saath saath rahegi, theek hai? Okay sir. Thank you sir, thank you so much. सो अब हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड 12 न्यूबॉर्न रिससिटेशन. तो ये हमारा रिलेटेड है पार्टोग्राफ से, जैसे सर ने बात की पार्ट प्रोलॉन्ग लेबर का, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का. सो हमने एक नॉर्मल पार्टोग्राफ फिल किया था. इन केस की मान लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना है कि मे भी आने वाला बच्चा जो है उसे सांस लेने की दिक्कत हो सकती है. उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करके रखनी है, वो हम उसके बारे में आज बात करेंगे और कैसे हम करेंगे. सो ये स्टैंडर्ड से हमने जो पहले ही आपसे बेसलाइन में हमने स्टैंडर्ड्स इसको शेयर किया था आप लोगों को, वही स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड के बेस पे आपका असेसमेंट होना है. अब मैं फटाफट क्वेश्चन का आंसर सब लोग देंगे, या आप मैसेज में भी आंसर लिख सकते हैं अपना, कि जब हम न्यूबॉर्न रिससिटेशन ट्रे बनाते हैं या किट बनाते हैं, उसमें जो एम्बू बैग होता है, एम्बू बैग में कितना मास्क रखोगे और कौन कौन से साइज का मास्क रखते हैं? अनम्यूट करके प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दीजिए. टू मास्क रखते हैं, 0 and 1. वेरी गुड, मास्क. ओके, जैसे बेबी पैदा हुआ, बेबी पैदा होते ही बच्चे को हम कहाँ रखते हैं? नॉर्मल में के पेट पे मैम. ओके, वेरी गुड. और जब हम एम्बो देते हैं तो मास्क को हम कहाँ पे लगाते हैं? वीडियो ऑन करके प्लीज अपने चेहरे पे करके बताइए कि मास्क कहाँ पे लगाएंगे हम, कैसे लगाते हैं मास्क को? क्या क्या कवर होना चाहिए था मास्क अगर लगाएंगे तो? हमारा मेन क्या होना चाहिए, क्या कवर होना चाहिए? वेरी गुड, वेरी गुड. माउथ एंड नोज. ओके, और हम बैग एंड मास्क देना कब स्टार्ट करते हैं, कौन से कंडीशन में, और कब और आप एम्बू बैग देना स्टार्ट करते हो? पूरा जो सेक्शन वगैरह हो जाए बच्चे का, उसके बाद में बच्चा डिस्ट्रेस में जाता कर देते हैं. अच्छा, ठीक है. आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 1 से लेके 7 चीजें लिखी हुई हैं. इनको आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, ये करेक्ट नहीं है. आपको करेक्ट ऑर्डर मतलब
क्या चीज पहले होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, वो कोई बताए मुझे। यस मैम, मैम 4 2 1 3 5 6 7 मैसेज बॉक्स में मैम आप लोग मैसेज कर दीजिएगा इसको, फिर हम लास्ट में देखते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे न्यूबॉर्न रिससिटेशन का, कि न्यूबॉर्न रिससिटेशन क्या होता है। रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवित करना ऐसा नवजात बच्चा, ऐसा नवजात शिशु जो कि जन्म के टाइम पे वो सांस नहीं ले पा रहा है, जिसे हम उसे मदद करते हैं उसको सांस लेने में, आर्टिफिशियल एयर डाल के ऑक्सीजन दे के हम उसे मदद कर रहे हैं ताकि वो रिवाइव कर जाए और सांस ले। ऐसा देखा गया है कि 9 से 10% बेबी को न्यूबॉर्न रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए लेबर रूम में काम करने वाले सारे स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ हो, हमारे पैरामेडिकल्स हो, डॉक्टर्स हो, सबको ये न्यू बेसिक न्यूबॉर्न रिससिटेशन हमें आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो आने वाला बेबी है उसको किस बिल्कुल स्वस्थ होने वाला है, प्रॉपर सांस लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है, वो हमें उतना पता नहीं होता है। इसलिए हम अपनी तैयारी पहले से ही करके रखेंगे, तैयारी में हमें पूरा न्यूबॉर्न रिससिटेशन प्ले हमारा रहना चाहिए और हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि जो स्टेप हम कर रहे हैं हम स्टेप बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हमें जरूरत पड़ती है। तो ये एक एविडेंस बेस्ड डेटा है जिसमें ये बता रहे हैं कि 250 फैसिलिटी में लगभग 5000 डिलीवरियां होती है, जहाँ पे कि सारे बच्चों को एक सिंपल न्यूबॉर्न केयर हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपका स्टैंडर्ड 8 है, जो आप नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड 8 आप पढ़ेंगे। इसमें से क्या होता है, जो 5000 डिलीवरी बच्चे हो रहे हैं, 5000 बच्चे में से 4000 जो बच्चे होते हैं उनको सांस लेने की दिक्कत होती है जब वो पैदा होते हैं, यानी परसेंटेज में बात करें तो 5 to 10%। बट इन 10% इतने बच्चे को सिर्फ सिंपल स्टिमुलेशन देके, सिर्फ सिंपल स्टिमुलेशन कैसे देंगे हम, बेबी को ड्राई करते हैं, बेबी को रब करते हैं, सक्शन करते हैं, इतना चीज करने से, ये 4 स्टेप करने से ही बच्चा जो होता है बिल्कुल रिवाइव कर जाता है। 6% जो बच्चे होते हैं इसमें से 6% बच्चे जो, तो उनको बेसिक रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है, बेसिक मतलब एम्बो बैग की जरूरत पड़ती है। इनमें से सिर्फ 1% बेबी ऐसे होते हैं जिनको हमें एडवांस रिससिटेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि डॉक्टर्स का, वो वहाँ पे हमें डॉक्टर का नीड है और वो डॉक्टर ही करेंगे। यहाँ तक जो है बेसिक रिससिटेशन तक है, ये हमारा है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिक स्टाफ है, एक्चुअली उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये यहाँ तक स्टेप उसको आना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनको, जो रिस्क में है, जिनको हो सकता है। तो अगर प्रीटर्म बर्थ हो रहा है, हमें मालूम है कि अगर बच्चा प्रीटर्म है, समय से पहले उसकी, समय से पहले बच्चा हुआ है या समय से पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो आने वाला जो बच्चा है उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, उसमें भी हमें पता है कि लेबर जो है बहुत लंबे समय तक गया है, ऑब्स्ट्रक्टेड है, तो आने वाला बच्चा जो है उसको ये दिक्कत, सांस की दिक्कत हो सकती है। या मदर को सेडिडेट किया गया है लास्ट स्टेज ऑफ लेबर पे, या मदर जो है प्रीएक्लैम्सिया है, एक्लैम्सिया यानी कि हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है महिला को, या जो बेबी है, बेबी के ना जो कॉर्ड है, कॉर्ड उसके गले में फंसा हुआ है, या इंट्राउटराइन ग्रोथ रिटार्डेट बेबी है, या एंटीपार्टम हेमरेज है महिला में, कि महिला को पहली बेबी डिलीवर होने से पहले प्लासेंटा अपना जगह छोड़ दिया, ब्लीडिंग होने लगी है, ये सब हमारे रिस्क फैक्टर है कि अगर इनमें से ये बच्चे जो होने वाले, उन बच्चों को हमें रिससिटेशन की जरूरत पड़ सकती, बेसिक या एडवांस या हमें नॉर्मल स्टिमुलेशन की जरूरत होगी, हमें देना पड़ सकता है। ये है हमारा रेडिएंट वार्मर, जो कि हमारे लेबर रूम और ओटी में होना चाहिए।
न्यूबॉर्न एरिया हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि लेबर रूम के अंदर एक न्यूबॉर्न एरिया होना चाहिए, न्यूबॉर्न कॉर्नर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? ताकि जो इमीडिएट केयर है, हम जो कि गोल्डन वन मिनट्स बोलते हैं हम बेबी के लिए, वो हम तुरंत के तुरंत कर ले। अगर रेडी वार्मर नहीं है, न्यूबॉर्न कॉर्नर हमारे पास नहीं है, लेबर रूम में कहीं और जाना पड़ रहा है, तो हमारा वो टाइम वेस्ट होगा। जो टाइम वेस्ट होगा तो और भी हमारे लिए रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए लेबर रूम के अंदर ही, बिल्कुल जैसे हम जब हम लेबर रूम डिजाइन करते तो हमारा कॉर्नर कहाँ होना चाहिए, जैसे हम डिलीवरी करा रहे हैं तो हमारे पीछे, ताकि जैसे बेबी हुआ, बेबी क्राई नहीं कर रहा है, तो इमिडिएटली आपको बेबी को हम ड्राई करें, कॉर्ड को कट करें, तुरंत हम वार्मर पे अपना लेके बेबी को चले जाए। ये उसके बाद हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रही है, वार्मर हो गया हमारा, सक्शन मशीन है, और हमें वॉल क्लॉक ताकि हम टाइम देख सके, वेट मशीन और आइडेंटिफिकेशन बैंड, ये सारा चीज हमारा न्यूबॉर्न कॉर्नर पे एरिया पे होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर, शोल्डर रोल, स्टेथोस्कोप, म्यूकस ट्रप्टर और एम्बू बैग, दोनों मास्क के साथ 0 and 1 साइज के साथ, क्योंकि अगर प्रीटर्म बेबी है, लो बर्थ बेबी है, तो हमें 0 साइज की जरूरत पड़ेगी। अगर बेबी टर्म है तो हमें 1 साइज की जरूरत होगा। कॉर्ड क्लैंप चाहिए, विटामिन के चाहिए, विटामिन के लगाने के लिए हमें सीरिंज की जरूरत होगी। ये हमारा बेबी किट और रिससिटेशन किट, जिसमें ये सारा सामान हमारे पास होना चाहिए, जो कि हमने पिछले पिक्चर्स के साथ सामान देखी। ये इस तरीके का आप लोगों, अगर किट नहीं बना होगा तो प्लीज़ इस तरीके से आप लोग अपने लेबर रूम में बेबी किट और रिससिटेशन किट बना के रिससिटेशन रेडिएंट वार्मर के नीचे आप, या रेडिएंट वार्मर के पास आप इसको रखेंगे। क्या करेंगे अगर जैसे बेबी पैदा हुआ बेबी नहीं रो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये स्टेप बाय स्टेप है, आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके भी हम दिखाएंगे कि क्या करना है आपको। अगर बेबी जैसे पैदा हुआ नहीं रो रहा है, तो हमें मालूम है कि जैसे बेबी पैदा होगा उसको हमें मां के एब्डोमेन पे रखना है। हमने एसेस किया, बेबी ने नहीं क्राई किया, इमिडिएटली हम बेबी को पहले ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हमें कॉर्ड को इमिडिएटली कॉर्ड करना, हम वेट नहीं करेंगे यहाँ पे, हम इमिडिएटली कॉर्ड को कट करेंगे और बेबी को रेडिएंट वार्मर पे ले जाएंगे। अब रेडिएंट वार्मर पे ले जाने के बाद हमें 4 चीजें करनी है फटाफट, वो भी 30 सेकंड के अंदर। क्या क्या चीजें करनी है? सबसे पहले पी यानी कि पोजिशन देना। पोजिशन कैसे देंगे हम? शोल्डर रोल को हम बेबी के शोल्डर के नीचे लगाएंगे। उसके बाद हम सक्शन करेंगे। सक्शन का क्या स्टेप है? सबसे पहले हम माउथ में करेंगे, फिर हम नोज में करेंगे, फिर हम स्टिमुलेट करेंगे बेबी को, और फिर हम बेबी को रिपोजिशन करेंगे। अगर बेबी इतना 4 स्टेप करने के बाद, बेसिक रिससिटेशन करने के बाद भी अगर बेबी हमारा क्राई नहीं करता है या सांस अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहा है, अब हम उसको बैग एंड मास्क स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट 30 सेकंड के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चेक, हमें हमारे पास फंक्शनल एम्बू बैग होना चाहिए। हम एम्बू बैग को बेबी लगाएंगे, जिसमें कि नोज एंड माउथ हमारा पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए, सील होना चाहिए, ताकि एयर साइड से नहीं निकले। और सबसे पहले हम 5 ब्रीथ करके देखेंगे, और आप देखोगे कि जब आप ब्रीथ दे रहे हो तो चेस्ट रेज कर रहा है, छाती बच्चे का उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अगर नहीं उठ रहा है, इट मीन्स कि हमने जो एम्बू बैग लगाया वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया है। आपको उसको फिर से उठा के अच्छे से लगाना होगा, और आप इसको 30 सेकेंड तक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये 30 सेकेंड जो आप PSSR कर रहे हो, ये 30 सेकेंड में हम एम्बू बैग दे रहे हैं। ये हो गया हमारा 1 golden minute। उसके बाद हमें क्या करना है कि आपको 6 सेकंड तक कॉर्ड में पल्स चेक करना है। अगर पल्स हमारा 10 से ऊपर जा रहा है तो ठीक है, अगर 10 से नीचे आ रहा है तो अब हमें आपको आगे ये 4 चीजें करनी है। 4 C's को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम हेल्प के लिए अपने दूसरे स्टाफ डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, बैग एंड मास्क को कंटिन्यू करेंगे, बच्चे का हार्ट रेट हम देखते रहेंगे, और ऑक्सीजन कनेक्ट करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हमें एम्बू बैग देना है, तो आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन में हम अभी दिखाएंगे किस तरीके से लगा के ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 हम इस तरीके से सीक्वेंस में हम एम्बू बैग देते हैं।
क्या करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा बेबी जो है बहुत अच्छे से सांस लेने लगा है? तो जब उसका रेस्पिरेशन रेट जब 40-60 ब्रीथ पर मिनट है, इट मीन्स कि बेबी हमारा सही है। अगर जब हम एम्बो बैग दे रहे थे, देने के बाद बेबी जब सांस लेने लग रहा था, दोनों साइड से उसका चेस्ट बराबर उठ रहा है तो बच्चा सही है। चेस्ट इंड्रॉलिंग और ग्रंटिंग नहीं है, घड़घड़ाहट की आवाज नहीं आ रही है बच्चे से, यानी कि बच्चा हमारा ठीक है। बच्चे का कलर पिंक है तो हमारा बच्चा, ये हमारा साइन है कि हमारा बेबी जो है बिल्कुल अब सही है, डेंजर साइन, डेंजर से बाहर निकल गया है। कैसे पता चलेगा कि अगर बच्चा नहीं अच्छे से सांस ले रहा है, सॉरी अगर तो इन बच्चे को, अगर बच्चा हमारा सांस ले रहा है तब हम क्या करेंगे, बच्चे को माँ को हैंड ओवर कर देंगे, माँ और बच्चे को साथ में रखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बताएंगे कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमें बेबी को कराना है, और बच्चे का वाइटल साइन हम हर 30 मिनट्स पे असिस्ट करते रहेंगे और बच्चे को हम देखेंगे। सो जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो बहुत से लोगों ने आंसर बिल्कुल सही बोला था कि हम मास्क का कौन कौन से मास्क यूज करते हैं, 0 साइज एंड 1 साइज। बेबी को डिलीवर करके हम कहाँ रखेंगे, माँ के पेट पे, और मास्क कब कहाँ लगाते हैं हम बेबी को, तो ऐसे लगाना है जिससे कि बच्चे का माउथ नोज और चीन पूरा कवर हो जाए। कब करना है हमें एम्बू बैग, इसका आंसर हम देखेंगे कि क्या है। कब करोगे आप, जब बेबी आपका क्राई नहीं कर रहा है और आपने PSSR 4 स्टेप आप कर चुके हो, पोजीशन दे चुके हो, सक्शन कर चुके हो, स्टिमुलेट कर चुके हो, रिपोजिशन कर दिए हो, बट फिर भी बेबी अभी सांस नहीं ले पा रहा अच्छे से, तब हमें एम्बू बैग की देने की जरूरत होती है। ये हमारा है कि बच्चे को कैसे करेक्ट पोजीशन में हम रखेंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चे को, अगर नहीं रोया है तो ड्राई कट करके हमें रेडिएंट वार्मर पे ले जाना है, फिर रेडिएंट वार्मर पे हमें हम बेबी को रेडिएंट वार्मर पे ले जाएंगे, फिर हमें पोजीशन देना है, पोजीशन देने के बाद हम सक्शन करते हैं, सक्शन के बाद स्टिमुलेट करते हैं, फिर हमें रिपोजिशन करना है। ये रेफरेंस है जो कि आपके कॉम्पेंडियम में दिया हुआ है, न्यूबॉर्न रिसेसिटेशन का वीडियो हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें न्यूबॉर्न रिसेसिटेशन करना चाहिए, गोल्डन वन मिनट कैसे हम फॉलो करेंगे। ग्लाइडिन, हेलो, यस ग्लाइडिन, इट्स ओवर टू यू। हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। प्रियंका, स्क्रीन ग्लाइडिन, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? आ तो रही है बट काफी कम आ रही है। प्रियंका, आपको क्या, आपको भी कम आ रही है ना? हाँ, आवाज बहुत कम आ रही है। वॉल्यूम अपना चेक कर लीजिए, उसको फुल कर लीजिए या तो। अभी आ रहा है क्या? हाँ, बेटर, यस, बेटर। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो अभी हम देखेंगे, अभी प्रियंका ने सेशन में हमें बता दिया न्यूबॉर्न रेसुसिटेशन हमें कैसा करना है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट्स है क्या, कुछ पूछना है? चलो, तो हम सबसे पहले एकदम कोई भी कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कैसे न्यूबॉर्न रेसुसिटेशन करना है और अपने पास अपना लेबर रूम में क्या क्या तैयारी आपको रखना है। सो सबसे पहले ये देख लीजिए, ये महिला है, ये इसका नाम है
हेलो हेलो ग्लाइडिन स्क्रीन अटक गई है एक सेकंड क्या हुआ हेलो कोई एक यस ग्लाइडिंग तो ये महिला है आप इसमें यार ठीक है तो ये महिला का नाम है राधा ये अभी फुल टाइम डिलीवरी हुआ डिलीवरी के लिए आया है उसका डिलीवरी भी हो चुका है आगे क्या होना है उसको उसके पहले हमारा पास ये एक न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना चाहिए लेबर रूम के अंदर इसमें हमें डिलीवरी के आधा घंटे पहले हमें लेबर रूम वार्मर ऑन करके रखना है मैंने इसको आधा घंटे पहले ऑन करके रखा है इसमें मैंने दो टॉवल गरम करने के लिए इसमें रखा है इसमें शोल्डर रोल भी मैंने रखा है नेम टैग भी रखा है बच्चे का हाथ पे लगाने के लिए और इसके नीचे मेरा न्यूबॉर्न केयर के लिए एक ट्रे रेडी है इसमें म्यूकस एक्सट्रैक्टर है ग्लाउस है और सक्शन कैथेटर है स्टेथोस्कोप है कोट क्लैंप्स रखा है विटामिन के का इंजेक्शन रखा है ठीक है और इसको मैंने लेबर न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर का नीचे रखा है इसके अलावा मेरे पास ऑक्सीजन सोर्स अवेलेबल है सक्शन के लिए सक्शन मशीन भी अवेलेबल है और लेबर रूम में एक क्लॉक का भी जरूरी है क्लॉक भी अवेलेबल है ठीक है तो ये हमारा तैयारी है तो अभी हम देखेंगे न्यूबॉर्न रेसुसिटेशन कैसे करना है आपको दिख रहा है ना हेलो सबको दिख रहा है यस वी कैन सी यस ठीक है तो प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है तो इसलिए महिला का अभी कवर करके रखा है मैंने जस्ट ओपन किया पेरिनियल एक्सपोज किया महिला का डिलीवरी हो चुका है तो डिलीवरी होने का जस्ट पहले हमने वार्मर में दो टॉवल वार्म करने के लिए रखा है उसके उठा के हमें माँ के पेट में लगाना तो मैंने दो टॉवल माँ के पेट में लगाया ठीक है तो डिलीवरी हो गया बच्चे को मैंने माँ के पेट में ठीक है तो अभी हमें देखना है बच्चा रो रहा है कि नहीं तो अभी ये वाला बच्चा रो नहीं रहे तो मुझे क्या करना है इमीडिएटली टाइम वेस्ट नहीं करना है एक भी मिनट मुझे वेट नहीं करना है तुरंत बच्चे को अच्छा से क्लीन करना है ड्राई करना है प्रियंका मैडम ने अभी पहले सेशन में बताया था माँ के पेट में तीन चीज आपको करना है इमीडिएटली ड्राई करना है बच्चे को कोड को कट करना है और लेके जाना है बच्चे को वार्मर में तो हम कैसे करेंगे बच्चा रोया नहीं है तो तुरंत बच्चे को सीधा कर दिया और सिर से लेके सिर अच्छे से रगड़ रगड़ के ऐसा क्लीन करना है उसका छाती उसका दोनों हाथ उसका दोनों पैर और ऐसा करके उसको पीठ भी अच्छे से साफ कर दिया और ये वाला टॉवल हमारा गंदा हो गया इसको हमने येलो वाला डस्टबिन में डिस्ट्रॉय कर ठीक है और अभी मैंने देखा बच्चा रोया कि नहीं रोया तो तुरंत मैं क्या करूंगा दो आर्टरी फोर्सेप्स लेंगे एक नाभि से 3 सेंटीमीटर आगे एक लगाएंगे और दूसरा नाभि से 5 सेंटीमीटर आगे लगाएंगे ठीक है और एक कॉटन लेंगे कॉटन के साथ प्रियंका कैन वी टेक ऑफ द PowerPoint presentation, please. Sir, आवाज आ रहे क्या? Yes, we can hear you, Glidden. Priyanka, just stop sharing the screen for 2 minutes.
क्या सर वीडियो नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, तो नाल से 3 सेंटीमीटर आगे पहले वाला क्लैंप और 5 सेंटीमीटर आगे दूसरा क्लैंप, एक कॉटन ले लीजिए और उसको बीच में से कट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद बच्चे को हमें ले जाना है वार्मर पे। तो क्या वार्मर? यस यस, वार्मर पे बच्चे को हमें अपने तरह लिठाना है, बच्चे के सिर अपने तरह होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के सिर अपने तरह होना चाहिए और हमें इमीडिएटली बच्चे को पोजीशन देना है। पोजीशन है कैसे देंगे? वार्मर में हमें 4 चीज सबसे पहले करना है, पी एस एस आर। प्रियंका मैडम ने अभी सिखाया था पी एस एस आर। सबसे पहले पी क्या होता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब शोल्डर रोल लेना है और शोल्डर के नीचे लगाना है, तो बच्चे का ट्रकिया सीधा हो गया, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। अभी भी बच्चा नहीं रो रहे तो तुरंत हमें सक्शन करना है। सक्शन करने के लिए हमारे पास म्यूकस एक्सट्रैक्टर है, उसको ले लीजिए माउथ में लगा के पहले माउथ में 5 सेंटीमीटर अंदर डालना है और उसके बाद दोनों नोज में 1 से 2 सेंटीमीटर अंदर डाल के सक्शन करना है। तो हमने माउथ में क्यों सबसे पहले कर रहे, क्योंकि हमने पहले नाक में किया तो बच्चा ब्रीथिंग ले लेते और श्वास ले लेते और मुंह में कितना भी सेक्रीशंस हो वो उसके ट्रिकिया में चले जा सकते हैं, इसलिए हमने हमेशा सबसे पहले माउथ में सक्शन करेंगे, उसके बाद नोज का सक्शन करेंगे। फिर भी बच्चा नहीं रो रहे तो हम क्या करेंगे, बच्चे को ऐसा साइड में लेंगे और बच्चे का बैक साइड अच्छा से मसाज करेंगे। ठीक है, अच्छा से रगड़ रगड़ के मसाज किया और बच्चे का पैर में ऐसा स्टिमुलेशन कर लिया। फिर भी बच्चा नहीं रो रहे तो हमें क्या करना है, रीपोजिशन करना है। रीपोजिशन हम कैसे करेंगे, दोबारा हमने शोल्डर रोल को लगा दिया। तो 4 स्टेप आपको समझ में आ गया वार्मर में, सबसे पहले सक्शन करना, सॉरी सबसे पहले पोजिशन देना है, फिर सक्शन करना है, फिर स्टिमुलेशन करना है, फिर हमें रीपोजिशन करना है। इतना कर लिया तो इतना करने के लिए हमारे पास 30 सेकंड है। ठीक है, डिलीवरी से लेके इतना इतना काम करने के लिए हमारे पास 30 सेकंड, 30 मिनट नहीं है, 30 सेकंड के अंदर ये सारी काम हमें फास्ट फास्ट कराना है। फिर भी बच्चा नहीं रो रहे तो हमें क्या करना है, ये पोजीशन भी हमने दे दिया, अपना आंबू बैग ले लीजिए। तो बच्चे का वेट के अनुसार, प्री टाइम बच्चा है तो 1-0 नंबर का मास्क यूज कर लीजिए। ये है मेरा फुल टाइम बच्चा है, वेट भी ज्यादा 2 किलो से ज्यादा है तो मैंने उसको 1 नंबर का मास्क यूज कर रहा हूँ। और मास्क को हमें नाक और मुंह दोनों कवर करना है, तो आप ऐसा लगा लीजिए नाक से लेके ऐसा कवर कर दीजिए और हमारा ये 2 फिंगर से बच्चे का चिन को थोड़ा उठाना है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये 2 फिंगर से एक सी शेप बनाना है ताकि इसमें से ये एयर लीक ना हो और अच्छा से उठाना है और हमें स्क्यूज टू थ्री। तो स्क्यूज में दबाना है, 2-3 पे छोड़ना है, स्क्यूज पे दबाना है, 2-3 पे छोड़ना है। तो आपको एक चीज देखना है, आप लोग को दिख रहे होगा बच्चे का चेस्ट राइज हो रहा है, देखो छाती उठ रहा है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले 5 बार स्क्यूज टू थ्री ऐसे करके देखना है बच्चे का छाती उठ रहे कि नहीं। छाती उठ रहे तो इसके मतलब आप प्रॉपर आंबू दे रहे, इनकेस छाती नहीं उठ रहे तो इसका मतलब आपका आंबू बैग देने का सही, आंबू बैग आप सही नहीं दे रहे, तो आपको रीपोजिशन करना है, दोबारा आंबू बैग निकाल के दोबारा आप सी शेप बना के इसको कर लीजिए। जब आपका आंबू बैग देते हुए चेस्ट राइजिंग शुरू हो रहा है, इसका मतलब आप प्रॉपर आंबू दे रहे, प्रॉपर एयर लंग्स में जा रहे, तो आप ये आंबू देना 30 सेकंड कंटिन्यू कर लीजिए। पहले क्या करना है आपको, 5 बार स्क्यूज करके देखना है छाती उठ रहे कि नहीं, छाती उठ रहे तो आपको 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू करना। तो करना कैसा है, छाती को उठा, सॉरी चिन उठाया, सी शेप बनाया और स्क्यूज टू थ्री ऐसा हमें 30 सेकंड के लिए करना है। तो हमारा पूरा 1 मिनट
यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पहले 30 सेकेंड हमने PSSR करने तक किया, उसके बाद 30 सेकेंड आप आंबू बैक कर लिया, उसके बाद आपको देखना है बच्चा क्राई कर रहे कि नहीं। फिर भी बच्चा नहीं क्राई कर रहे तो आपको हार्ट रेट चेक करना है स्टेथोस्कोप लेके। आप हार्ट रेट चेक कर लीजिए, हार्ट रेट आपको मिल रहे 6 सेकंड में 10 से ज्यादा, 10, 11, 12, 6 सेकंड के लिए आपको चेक करना है। 6 सेकंड में आपको 10 से ज्यादा मिल रहे तो इसका मतलब बच्चे का हार्ट रेट नॉर्मल है। आप ऑब्जर्वेशन में रख दीजिए बच्चे को, और थोड़ा देर बाद ऑब्जर्वेशन में रखे आप बच्चे को माँ को हैंड ओवर कर सकते। इन केस बच्चा नहीं रो रहे, सॉरी बच्चे का हार्ट रेट 6 सेकंड में 10 से कम आ रहे, मान लो 8 मिल रहे, इसके मतलब आपको ऑक्सीजन आंबू में लगा के, आंबू में आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, ठीक है, और आंबू आप कंटिन्यू करते रहना। सबसे पहले आपको 3 C करना है, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू हार्ट रेट, उसके बाद कंटिन्यू बागान मास्क, और तीसरा आपको हार्ट रेट चेक करना है और ऑक्सीजन कनेक्ट करना है। बच्चे का हार्ट रेट 10 से नीचे है तो, ठीक है, 3 C करना है, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, कंटिन्यू बागान मास्क, इसका मतलब आंबू कंटिन्यू करना है और हार्ट रेट चेक करना है और आपको ऑक्सीजन कनेक्ट करके आंबू कंटिन्यू करते रहना। आपका पीडियाट्रिशियन जब तक जल्दी आ गया तो ठीक है, नहीं हारे तो आपको बच्चे को हायर सेंटर पे रेफर करना होगा। बाकी जो भी इसके आगे का काम हो वो पीडियाट्रिशियन करेंगे, नहीं है तो कोई भी एक्सपर्ट करेंगे। आप लोग को डिलीवरी के बाद ये PSSR और गोल्डन 1 मिनट अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, बहुत बढ़िया तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99% बच्चा डिलीवरी के बाद क्राई नहीं कर रहे। तो इतना सारी, इतना 1 मिनट में इतना सिंपल स्टेप आप कर लो, उसमें से 90% बच्चा क्राई करेंगे और अपना ब्रीथिंग लेंगे। बाकी 1% बच्चा होगा उसको रिसासिटेशन, मतलब एडवांस रिसासिटेशन का जरूरत होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया, ये इतना काम करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 1 मिनट, इसलिए हम बोलते हैं गोल्डन 1 मिनट। धीरे धीरे कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, आपको इमीडिएटली 1 मिनट में इतना सारी काम बढ़िया से करना है। किसी का कोई डाउट, कोई स्टेप आपको दोबारा दिखाना है? No, it's fine. अपना अनम्यूट करके पूछ लीजिए, आप लोगों को अच्छे से देखा है ना, आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, कोई बता सकते मैम, इट्स अबव 36.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होना चाहिए। In winters or in summers? Both. It's the same or? Same, ma'am. Same in both winter and summer. It's basically above the, at the body temperature. So, आप सबको समझ में आ गया NBR क्या होता है? Okay. Yes. ठीक है, अब मैं यहाँ पे हॉस्पिटल वाइज मैं भी जब मुझे भी तसल्ली हो गई। हेलो, यस, हाँ जी मैम, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ मैम, प्लीज अनम्यूट करके बताइए। पल्लवी मैम, मैम ये पूछ रही हूँ कि वार्मर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? प्रियंका, वो वार्मर का टेम्परेचर पूछ रही है। वार्मर का टेम्परेचर हमारा 36.6 से अबव होना चाहिए, 36.6 से लेके 37 डिग्री पे होना चाहिए। थैंक यू मैम। मैम, बेबी का सक्शन करने के लिए माउथ से सक्शन करना ज्यादा बेहतर है सक्शन मशीन से? म्यूकस स्ट्रक्चर हमारा सबसे बेस्ट रहता है ताकि उसपे ज्यादा प्रेशर नहीं रहे। हेलो, वेट बेबी है, म्यूकस स्ट्रक्चर इज द बेस्ट, म्यूकस स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे।
जी मैम वो तो करेंगे लेकिन माउथ से करेंगे या सक्शन मशीन से? माउथ से। आप माउथ से, आपने देखा ना कि किस तरीके से म्यूकस स्ट्रक्चर का यूज करके दिखाया ग्लाइडिन सर ने आपको। जी वैसे हमें म्यूकस स्ट्रक्चर का यूज करना है, पहले आपको माउथ में करना है फिर आपको नोज में करना है। जी दीपक जी ये बताना चाह रहे कि इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज म्यूकस एक्सट्रैक्टर ओनली इफ द बेबी हैज डस नॉट क्राई और हैज म्यूकोनियम। इसके पहले सब बच्चे को यूज करने के लिए बताते हैं, अभी हम लोग बताते हैं कि ओनली टू यूज इफ म्यूकोनियम इज प्रेजेंट और द बेबी इज नॉट क्राइंग। जी सर। नहीं सर मेरे को ये तो समझ में आ गया कि बच्चे का म्यूकस एक्टर से ही सक्शन किया जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था जी बेबी का जब सक्शन करते हैं म्यूकस एक्टर से। बेटर टू डू इट विद द माउथ क्योंकि माउथ का जो प्रेशर है वो काफी कम है, बट इफ यू डू द मशीन कभी कभी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जी सर जी। इंस्टेड ऑफ म्यूकस एक्सट्रैक्शन कैन वी यूज सक्शन मशीन? Suction catheter can be used. We can use suction machine, but it's better to use the mucus extractor with the mouth because you can control the pressure. Pediatricians always use suction catheter. They do by suction. Yeah, but the suction machine is okay, but not recommended only because of high pressure. Okay. Hello. If pressure can be adjusted, then can we use suction? Yes, it can be used. See, basically, the physiology is we need pressure. The physics is so we need pressure. How much pressure should be set in this suction machine? What is the ideal pressure for resuscitation? Ideal pressure, I'm not sure. I can look it up and send it to you. Okay. Dr. Anita Yadav. I am Dr. Chetna Bansal. Yeah, no, Dr. Anita has raised her hand. Suction pressure जो होगा ना मैम 52 try करते 52 60 के बीच में रहे, 60 से above नहीं जाए। Okay. Yes, ma'am. Okay. ठीक है. It's all right. Hello. Dr. Anita, you raised your hand. वैसे आइडियली देखते थे मैम, अभी मैम ने बताया किसी ने कि 8200 mmHg के अंदर होना चाहिए, बट अगर न्यूबॉर्न के लिए है तो 60 हमारा एक एवरेज है कि 60 हम यूज करें प्रेशर। 60? यस मैम, वैसे 100 तक हम ले जा सकते हैं, बट मोस्टली हम 60 पे ही यूज करते हैं। ओके, थैंक यू। डॉक्टर अनीता यादव, वी कांट हियर यू। आप लोग हो सकते कि आपका ये माइक ऑन नहीं है, नहीं तो बट वी कैन सी योर चैट। चैट हम लोग देख सकते हैं, तो चैट में लिख सकते हैं चाहिए तो। मैम आप चैट में लिख दीजिए सिंस वी कांट हियर यू। प्रियंका आप आगे प्रेजेंटेशन ऑन कर दीजिए। तो सभी को क्लियर हो गया हमारा पार्टोग्राफ और एनबीआर? तो यस। प्रियंका एक चीज हम पूछने चाह रहे हैं बिफोर दिस। यस सर। देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर अनीता आल्सो, ही सेज डू वी हैव टू यूज अ टॉवल लेटेस्ट, डू वी हैव यूज द टॉवल व्हेन द बेबी इज पुट ऑन द मदर? इन लास्ट सेशन वी वर टोल्ड नॉट टू यूज टॉवल्स। सो मैं आंसर करूं इसका प्लीज? ओके, सो पहले अगर बात करें तो हम टॉवल यूज करते थे, अभी हम
टॉवल यूज नहीं करेंगे, हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट की बात करते हैं। तो जैसे बेबी डिलीवर होगा हमें बेबी को मदर के अब्डोमेन पे रखना है, जो दो टू हमारा प्री वॉर्म टॉवल है, पहले एक टॉवल से हमें बेबी को अच्छे से ड्राई करना है, फिर उसको रिमूव करके हम दूसरे टॉवल में बेबी को रैप करेंगे, रैप करके आगे का इनिशियल केयर हम प्रोवाइड करेंगे। See, I just want to mention, क्योंकि कोई confusion नहीं होना चाहिए, we always use two towels. If we are delivering on the mother's, if we are placing the baby on the mother's abdomen, we keep two towels on the mother's abdomen. Basically, the need for two towels is for wiping the baby. So we use both the towels for wiping, one for wiping the baby and one for wrapping the baby. एक towel baby wipe करने के लिए, एक towel baby wrap करने के लिए। तो आप even if you take the baby to the warmer, आपको दो towel चाहिए, even if you do it on the mother's abdomen, आपको दो towel चाहिए। Priyanka, did I say correctly? Yes, sir. One, is there any confusion? Anybody else wants to add anything? Any other doctor on the show? Doctor on the. Anybody else wants to add anything? I want to encourage one thing. Can any hospital volunteer to do exactly what Dr. Glidin has done in your hospital? What Glidin has showed, can you showcase this in your hospital in the next session? This whole resuscitation process. Yes, we can. Yeah. Do you have a baby? Do you have the neonatally with you? Yeah, we have the neonatal. Okay. Dummy babies with us. You have the whole resuscitation kit we are having with the dummy baby. On. Which hospital? Can you just? It's Pamar Hospital, Pamar Maternity and Children Hospital, Bhiwani. Okay, you will get 5 to 10 minutes for this demonstration. Okay. So Priyanka, please remember this. Huh? Yes, sure. Thank you. अब मैं कुछ पूछ सकती हूँ कि पार्टोग्राफ और न्यूबॉर्न रिसेसिटेशन से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट्स हमें ऑलवेज याद प्रियंका और क्वेश्चंस है चैट में। ओके मैं देख लीजिए। प्लीज एक्सप्लेन अबगार स्कोर, प्लीज कमेंट अबाउट एक्टिव फेज ऑफ लेबर, व्हाई इट स्टार्ट्स एट 6 सेंटीमीटर। Yeah, go ahead, Priyanka. Sir, I can't happen to see the chat box. Go ahead, Priyanka, with your questions. Dr. Chetna Bansal, you have a question? What is the number of mucus extractor for preterm baby or for normal baby average? What is the number of mucus extractor? Is there any number of mucus extractor? मैम mucus extractor का ऐसा कोई नंबर नहीं है, वो एक एक ही स्टैंडर्ड साइज का आता है, उसका कोई नंबर नहीं है। Because वो आपको माउथ से यूज करना है, विद माउथ से आपको यूज करना है, तो उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं। Okay. Yeah, Glidin, please go ahead, Priyanka. Okay, sir. So, Tanushree, one of the doctors, Dr. K, is not able to unmute. Can we just see this?
किसी को पार्टोग्राफ के बारे में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. There is a question, Glyden. About 6 centimeters. Did you see the chat box? It says, why should we start at 6 centimeters? Sir, मैंने chat box में वो message नहीं देख पा रही हूँ. कोई मुझे question explain करे so I can answer that questions. So the I'll try to answer that. Dr. K, it starts at 4 centimeters. Not at 6 centimeters. This is the WHO standard partograph. It starts at 4 centimeters. Now there is a slight change in the partograph rules, and WHO is still making those rules. They have mentioned that that the partograph rules may not be sacrosanct, in the sense it may not, there may not be very linear progression by the time. So still studies are going on to try to understand the exact curve in which the cervix dilates. So we are still waiting from WHO for guidance. So till then, we will be using the present standardized WHO partograph, which starts at 4 centimeters and shows a linear increase for every centimeter every hour. Am I clear here? It's a simplified partograph. Some of the hospitals are also using a partograph. In that partograph, I think both phase we are mentioning, that latent phase and active phase. But in this partograph, we are mentioning only active phase. Okay, Priyanka, go to your... Excuse me. What about the effacement part? What about, because the partogram starts at 4 centimeter dilated, and sometimes in multivira patients, the 4 centimeter per cervix is not 100% effaced. Sometimes 50%. So should we start plotting the partogram at that time? Yes, ma'am. If cervix is dilated 4 centimeter, we can start to plotting partogram. No, but it's not effaced fully. It's just 50% effaced, so, because so in the rule is for dilatation. So there's no rule about effacement. Yes. No rule of effacement. But as I mentioned, as you know, you and me know, science keeps progressing. Just last year, WHO has said that they no more believe, or research has shown that they no more believe it is linear in progression. Because some studies have shown that, so they are going to change it. So, so just want to mention that as a disclaimer. Thank you. Any other question? No. Dr. K, are you able to talk now or chat? Okay, Priyanka, go ahead with the quiz. There's some issue with the phone. I guess she's not able to unmute. Although she is unmuted, but we can't hear your voice, ma'am. Okay. कोई आंसर बताएगा, फोर गोल्डन रूल क्या है हमारा पार्टोग्राफ फिल करने का? बंसल नर्सिंग होम, एक एक हॉस्पिटल करके मैं पूछूंगी, तो प्लीज आंसर करिएगा. फोर गोल्डन रूल पार्टोग्राफ फिल करने के लिए, चार मेन गोल्डन रूल क्या होगा? One minute. Anyone from Bansal Nursing Home? पार्टोग्राफ में गोल्डन रूल क्या? अच्छा, गोल्डन रूल पार्टोग्राफ में 4 सेंटीमीटर्स में पार्टोग्राफ फिल करने का फोर मेन गोल्डन रूल. ओके, कोई और?
किसी और हॉस्पिटल से प्लीज जनरल इंफॉर्मेशन ओके एंड देन पावर पैसेज एंड पैसेंजर पैसेंजर इज फीटस सो द फीटल हार्ट रेट पैसेज इज uterus so the dilatation and station and horses. power is the uterine contractions so the horses uterine contractions the thank you frequency ma'am. And it's from Saxena hospital uterine contraction From Saxena Hospital, कोई भी staff please. Contraction. हाँ जी बताइए. अभी हमने देखा ना कि four golden rule आपको बताया गया था कि partograph जब हम fill करते हैं तो चार चीजें अगर हम follow करेंगे तो हमारा partograph कभी भी गलत नहीं होगा. सो फर्स्ट हमारा गोल्डन रूल क्या था कि हम पार्टोग्राफ का फिल भरना स्टार्ट करेंगे जब हमारा सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेट होगा. उसके बाद सबसे पहले हम क्या फिल करेंगे डायलेटेशन. ठीक है और डायलेटेशन कहाँ फिल करेंगे तो अलर्ट लाइन पे ही हमें पहला प्लॉटिंग जो होगा हमारा अलर्ट लाइन पे ही होगा. जो ये अलर्ट लाइन आप देख रहे हैं इस पे अगर जो हम पहला प्लॉटिंग करेंगे वो अलर्ट लाइन पे होगा. और लास्ट पॉइंट क्या है कि जिस अब इसी लाइन के सिधाई में हमें सब कुछ फिल करना है चाहे वो FHR हो या नोटिक फ्लूइड हो कॉन्ट्रैक्शन हो जितने भी कॉम्पोनेंट है वो हमारे डायलेटेशन वाले ही लाइन पे सीधी लाइन पे हमारी जाएगी. प्लीज आप इस चार गोल्डन रूल को बिल्कुल नहीं भूलें कि पहले हमें सबसे पहले कब हमें पार्टोग्राफ का इस्तेमाल करना है जब 4 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेटेशन हो जाए. सेकंड कि सबसे पहले हम सर्विक्स का डायलेटेशन फिल करेंगे. ऐसा नहीं कि पहले FHR दिया हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड दिया हुआ है तो पहले हमने FHR फिल कर दिया तो हमारा पार्टोग्राफ गलत होगा. तीसरी याद करने वाली बात है हमारा कि हमारा प्लॉटिंग जो होना चाहिए वो हमारा बिल्कुल अलर्ट लाइन पे ही फर्स्ट प्लॉटिंग अलर्ट लाइन पे होगा. जरूरी नहीं है कि सेकंड जो लाइन सेकंड प्लॉटिंग जो हो हमारे 4 घंटे के बाद वो हमारे अलर्ट लाइन पे ही हो सकता है. वो आपके अलर्ट लाइन के ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है. और लास्ट वन हमारा कि वो हमारे जहाँ पे हमने डायलेटेशन प्लॉट किया है उसी लाइन के सिधाई में हमारा ये सारे कॉम्पोनेंट को हम फिल करेंगे. ओके पार्टोग्राफ से हमें क्या क्यों पार्टोग्राफ हम भर रहे क्यों पार्टोग्राफ की बात कर रहे क्या मदद मिलता है हमें. इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट. ठीक है मैम ये डॉक्यूमेंट किस चीज में हमें हेल्प करता है मीटर करने में सर्विक्स का डायलेटेशन अगेंस्ट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ लेबर. थैंक यू मैम. तो और कोई बताना चाहेगा कि पार्टोग्राफ से क्या हेल्प मिलता है क्यों हम पार्टोग्राफ को इतना एम्फसाइज कर रहे हैं. यस टू हेल्प टू फाइंड द नॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर इफ इट्स नॉर्मल और नॉट एनी टाइम इफ देयर इज डिले इन द डायलेटेशन और डिस्टेंट और इवन देयर इज म्यूकोनियम स्टेन लाइक और फीटल डिस्टेंस सो वी शुड हैव अल्टरनेटिव मेथड टू डिलीवर द बेबी. थैंक यू मैम. थैंक यू. तो ये मैम ने बिल्कुल सही बताया कि एक ही हमें पार्टोग्राफ से एक पेज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है तो हमें डिसीजन लेने में ये डिसीजन मेकिंग टूल है एक्शन टूल है हमारा जिससे कि हम डिसीजन ले सकते हैं और तुरंत टाइमली हम एक्शन ले सकते हैं. तो इसके लिए हमें पार्टोग्राफ का फिल करना बहुत जरूरी है. तीनों चीज का हमें इकट्ठे एक ही पेपर पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है मदर का फीटस का और लेबर प्रोग्रेस का. ठीक है एनबीआर कोई बताएगा गोल्डन वन मिनट क्या होता है गोल्डन वन मिनट में हम कौन कौन से स्टेप करने होते हैं. सबसे पहले तो 30 सेकंड में 30 सेकंड के लिए उसमें सबसे पहला होगा पोजीशन दूसरा सक्शन तीसरा स्टिमुलेशन और फोर्थ है रीपोजीशन.
ये 30 सेकंड के रहेंगे चार स्टेप, और अगला जो 30 सेकंड का स्टेप आएगा उसमें हम अम्बू अम्बू बैग जो बच्चे को देते हैं वो बैग एंड मास्क, ये गोल्डन वन मतलब बैग एंड मास्क। थैंक यू सो मच मैम। इन्हीं नर्सिंग स्टाफ कोई मुझे बताएगा कि मेरे रेसुसिटेशन ट्रे में क्या क्या सामान होना चाहिए? हॉस्पिटल से कोई नर्सिंग स्टाफ प्लीज एक्सप्लेन करेंगे। इंजेक्शन एडेलिन होना चाहिए, डिस्पो होनी चाहिए, म्यूकस एक्सट्रैक्टर होना चाहिए जी। ओके वेरी गुड। और कोई स्टाफ कुछ ऐड करना चाहेगा या इन्होंने सब कुछ बता दिया? हेलो ओके, बेबी को डिलीवर करके हम कहाँ पे रखेंगे? वार्मर में, एब्डोमेन में, एब्डोमेन पे। कहाँ पे रखेंगे, एब्डोमेन पे कि वार्मर पे? कितने लोग वार्मर बता रहे हैं, कितने लोग एब्डोमेन बता रहे हैं? मैम इसकी दो कंडीशन हो सकती है मैम। एब्डोमेन पर, एब्डोमेन पे दो कंडीशन होंगी। सबसे पहली कंडीशन तो अगर बेबी बोर्न होने के बाद रोया है तो उसको माँ के एब्डोमेन पे रखेंगे, और अगर बेबी होने के बाद रोया नहीं है तो उसको हम सीधा वेट नहीं करेंगे, सीधा वार्मर पे लेके जाएंगे। अगर बेबी हमारा बर्थ के बाद अगर बेबी क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम डिलीवर करके आप तुरंत बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रखोगे। एब्डोमेन पे आपको देखना, अगर बेबी ने क्राई नहीं किया तो इमिडिएटली आप बेबी को ड्राई करके कॉर्ड क्लैंप कट करके आप तब आप रेडिएंट वार्मर पे ले जाओगे। जी मैम, कि हमें बेबी को डिलीवर मदर के एब्डोमेन पे ही करना है। जी जी, क्लियर है सबको? प्रियंका, कैन यू हियर मी? यस मैम, यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बेबी को डिलीवर करके मदर के एब्डोमेन पे रखते हैं तो फिर जो कॉर्ड ब्लड है वो तो बेबी में नहीं जा पाता है, जब तक कि आप बेबी को मदर के एब्डोमेन से नीचे लेवल पे नहीं रखोगे तो ब्लड जाता ही नहीं है बेबी में, तो फिर ये तो उल्टा फिर हो जाएगा। अगर हम बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रखते हैं तो ये मदर से ब्लड बेबी में नहीं जाएगा, उल्टा जाएगा बेबी से मदर में। प्रैक्टिकली तो यही देखा है मैंने, इसलिए आई हैव स्टार्टेड कि अगर बेबी क्राई करता है तो मैं मदर के एब्डोमेन के नीचे लेवल पे रखती हूँ, सो दैट द ब्लड फ्लोस फ्रॉम प्लेसेंटा टू द बेबी। And if the baby doesn't cry, मैं डॉक्टर सुरंजन सर को रिक्वेस्ट करूंगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। डॉक्टर मित्रा बिल्कुल सही कह रहे हो, it should be kept below the mother's level. I am Dr. Ruchi, I am भाभी of Dr. Mitra. Oh, you sound so much like Dr. Mitra. Thank you. कनु सर नहीं है क्या? No, I think he has. Because this is what practically we have seen. Keeping the baby on the mother's abdomen, always the flow is reverse. Ma'am, what we can do is we can continue this conversation on the WhatsApp group as well, and once we find the answers, we can respond it. Right. Okay, ma'am. Okay. We need to clarify. Okay. ठीक है मैम, इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं, इसको मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप एविडेंस बेस्ड बता रहे हैं तो इस पे हमें डिस्कशन की जरूरत है। ठीक है प्रियंका, यू कैन, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर टुडे सेशन? नो, प्रेजेंटेशन इज ओवर। डियर ऑल, मैंने आपके चैट बॉक्स में एक फीडबैक लिंक दिया है आज का। वंस यू क्लिक ऑन द लिंक, एक विंडो ओपन होगी आपके गूगल क्रोम या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, एंड वो एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर है कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। ओके डॉक्टर मिशक, यू वांट टू आंसर? आई विल जस्ट अनम्यूट यू, गिव मी 2 मिनट्स। Okay, can you try now?
Dr. Mishak? I've given, I've made you the co-host. Thank you. मैम आपकी क्वेश्चन थी कि बेबी को मदर के एब्डोमेन पे रखने पर मतलब व्हाट वुड बी द सिनेरियो एंड हाउ द ब्लड फ्लो वुड बी हैपनिंग नो मैम और एंड यू हैव जस्टिफाइड सेइंग दैट व्हेन वी कीप इट एट द लोअर लेवल ऑफ द मदर द ब्लड एक्चुअली फ्लोज टुवर्ड्स द बेबी मैम इट सो हैपेंस दैट द बेबी इज स्टिल कनेक्टेड टू द मदर थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड And there is a cardiac function which is still happening. And if you notice, ma'am, the pulsation of the cord still continues to happen. So this still enables the blood to be pumped from the mother to the baby. And then again from the baby to the mother. This is the venous flow. So like the practice of keeping the baby on the mother is primarily for two things. One is to ensuring that the baby continues to be with the mother and the warmth is ensured, number one. And also for the blood component, which we expect that comes from the placenta through the umbilical cord and to the baby. So ma'am, the only explanation to be given here is that the cardiac functions come into place and we are able to achieve these two primary objectives. फिर हम लोग मिल्किंग कब करते हैं डॉक्टर साहब मैम अब मिल्किंग मना किया गया है मैम नहीं अभी हम लोग के तो जो पीडियाट्रिशियंस आते हैं दे ऑलवेज आस्क अस टू क्लैंप आल्सो आफ्टर 1 मिनट एंड देन दे आल्सो से कि मिल्किंग करो नो मैम मिल्किंग हैज नाउ बीन डिस्करेज्ड अच्छा ऑलराइट ओके एंड व्हाट अबाउट क्लैंपिंग इन हाउ मेनी मिनट्स Ma'am, if the baby has cried and if there is no issue regarding his breath, no? So, like, you will notice that the pulsation of the cord has stopped by 2.5 to 3 minutes. Hmm. Automatically, this happens automatically. So, like, what we recommend now is if the baby has cried, to have the cord clamped between 2.5 to 3 minutes. If the baby has not cried, ma'am, अगर बेबी क्राई नहीं किया है और हम लोग चाहेंगे कि उससे रिससिटेट करने के लिए जैसे कि आज हम लोगों ने टीवी में भी देखा तब तो इमीडिएट क्लैंपिंग की आवश्यकता पड़ती है थैंक यू हेलो थैंक यू हेलो यस मैम एम आई ऑडिबल यस मैम करते ही बट एक्चुअली प्रैक्टिकली व्हाट ही इज सेइंग डजंट हैपन सो व्हेन द बेबी इज ऑन द मदर्स एब्डोमेन एज सून एज द बेबी क्राइज The pressure in the baby's abdomen increases and the flow becomes reverse. Only when I'm keeping the baby at a level down the mother's abdomen, then only the blood is flowing from placenta to the baby. Ma'am, we can get back to you on this, ma'am, with more of explanation and also with lot any more documents that we can support them on this. इस टॉपिक को हम फिर से डिस्कस करते हैं मैम मैं डॉक्टर सुरंजन डॉक्टर दिनेश सर को रिक्वेस्ट करूंगी नेक्स्ट व्हाट्सएप पे कि वो इसको क्लियरिफाई करें एंड वी कैन आल्सो स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन विद दिस रिवीजन ऑफ द प्रीवियस सेशन एंड देयर वी कैन आल्सो डिस्कस द सेम चलो ठीक है देन वी विल टॉक इट ऑन व्हाट्सएप यू प्लीज कंटिन्यू यस मैम एंड दैट मैम कैन यू ड्रॉप दिस क्वेश्चन ऑन ग्रुप मैम CSC yeah, Agri- I will. Yes. I will. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Priyanka, anything else left? No, not from my side. Okay. Glyden, from your side? Glyden, are you there? I don't think so. Priyanka, stop share kar dena screen. Hello, Tanushri. Excuse me, Tanushri. Yes. So thank you everyone. I hope you like today. Thank you, Priyanka. Thank you. Ma'am, wait. हाँ हाँ बताइए. Thanks everyone. Hello, तनुश्री आप कुछ पूछ रहा था ना मैंने कॉल पे था इसलिए. नहीं नहीं, I was just asking आपकी साइड से कोई चीज अभी कवर करने के लिए रह तो नहीं गई. नहीं मेरा तो कंप्लीट है. एक कोई हॉस्पिटल को सर ने डेमोंस्ट्रेशन करने के लिए दिया था टाइम. प्रियंका
It's not because gravity is not required for the pulsation. It's the cardiac pulsation of the fetus by which the blood is flows from cord to the fetus. So it's not like that we should keep the baby at the lower level below the maternal abdomen. So baby should be kept on the mother's abdomen because it depends upon the cardiac pulsation of the baby. Okay, Priyanka, कौन सा हॉस्पिटल को अभी डेमोंस्ट्रेशन के लिए बोला है सर ने? हमारे अनीता पनवार मैम को बोला है. ओके मैडम रेडी है क्या? नहीं पर सर ने बोला नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मंडे रिकैप में, नेक्स्ट सेशन. अच्छा नेक्स्ट सेशन के लिए. ओके रिकैप में, रिकैप में. ठीक है देन थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेस सेशन एंड आई होप यू लाइक इट. प्लीज डू गिव योर फीडबैक. जो फीडबैक फॉर्म मैंने आपको अभी लिंक भेजा हुआ है उस पर प्लीज शेयर कर दीजिए. मैंने आपको वो सेम लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करा हुआ है. इट्स अ 2 मिनट थिंग. आप प्लीज थोड़ा सा टाइम लेके फीडबैक जरूर फिलअप करिएगा एंड नेक्स्ट मंडे 3 PM अगेन वील मीट विद अ न्यू टॉपिक. Thank you everyone. Okay, thank you. Can we change it from Monday to some other day of the week? Ma'am, actually we have 4-5 batches already scheduled in other states as well. So Monday to Friday we are blocked 3 to 5. So we can we can reschedule the timings and one-on-one training can also help if you want. Our program officers can support your staff. But ma'am, we have to talk with our seniors as well because we have blocked Monday for the Agra batch. Achha, achha. Ha, ma'am. Don't reschedule the timing, but please. Yes, ma'am. Don't reschedule the timing. Yes, ma'am. We kept it because of the OPD. Don't reschedule. Otherwise, it will become difficult. Okay, ma'am. We'll talk to our supervisor, my supervisor, and then we'll revert. And yes, you can please put your queries in the WhatsApp group as well. So everyone is aware about it. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.